अस्सलाम वालेकुम, खबर हार में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। हज़रात, शो के आगाज में चलते हैं ओवल ऑफिस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नमस्ते आफ्ताब साहब, की हाल चाल ने? बिल्कुल ठीक, तुसी ठीक हो जी? शुक्र है जी। और आज तड़े नाल कौन ने? ए जी, इंडिया तो विजिट कर रहे ने, साडे बहुत बड़े पत्रकार ने। अच्छा, दानिशवर भी अगे ने, इंटेलेक्चुअल भी अगे ने। ओ गल मुकाई दी नहीं होदी, अगे टोरी दी होदी है। मैं वैसे इन्हें जानता हूं। जानते होगे जनाब, कुलदीप भाई जी नाल तुसी मैनूं वेख्या भी होएगा। आपका क्या हाल है जनाब? आपको तो मैं जानता हूं। साडी गल मुक गई है यार, उनसे भी बात कर लें। अच्छा, आप जरा अपना तारुफ करवाइए, आप कौन है और आपके साथ ये आइटम क्या है? ओ, मेरी अपनी हलाल मार्केट है जी, छोटे जे काम तो शुरू कीता सी, आज माशाल्लाह लहरा बहरा ने। अच्छा, और ये कौन है? मेरा तो सुन लो पहले, तुहानू पता कि गुरबत दे विच जिहड़ा काम शुरू कीता ना, उनू परवान चढ़ाना बड़ा मुश्किल काम है। उतो सब तो वड्डी गल है कि हराम नहीं कमाना ना हराम खाना। या प्रेजिडेंट किधर है? अच्छा, तुहानू हराम तो एगा तो याद आ गए ने बाबा जी। उनके साथ उनका पुराना बटलर आ गया है। और किदा? ये क्या कर रहे हैं? मैं तो नहीं कर रहा, आप ही हो रहे हैं। ओल्डेस्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट इन हिस्ट्री जी, 80 साल प्लस के हो गए। अब वो तो 80 साल की हुंदा, इट इज जस्ट अ नंबर। लेकिन फिर भी एहतियात तो जरूरी है, स्टिक लेके चला करें। नहीं नहीं जी, मैं जो है स्टिक दी जगह। और की हाल पुत तेरा? इधर इधर हो, इधर। अच्छा, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ? ਖੜੋ ਜਾਂ ਖੜੀ ਐ, ਚੰਮ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰ ਲਵਾਣ ਦੇਣ। ये चम मेनू कह रहे हो या तू कह रहे है? ये चम हो सकता है भला? मेरा यार भी है बड़ा पुराना। आहो, ये दो में डेमोक्रेट ने ते मेरे दोस्त आ। वहां बैठे जाके बहुत उच्ची ना बोल, मैं फेट और जाना ही। आहा, बाबा जी दा पूछ रहे सी तुसी। हां जी, ये कौन है? ए कैब चलाने ने जी, इथे नाल। अब तक कैब चला रहे? ए मेनू की है। उम्र कितनी है बाबा जी आपकी? ए चम दस्या दा है, उम्र की पिया है। मिस्टर प्रेजिडेंट, तोडा इंटरव्यू करना सी। वो तो केड़ा चैनल तेरा? राजनीति। हाँ, राजनीति वाली। ये कौन है? ये दानिशवर है, वहाँ के बहुत बड़े पत्रकार हैं। पत्रकार भाई, पहले तेन पता सी वाइट हाउस चाहना साड़िया जुती तो साफ करके आना। माठी जुती पाई तो किदी भैड़ी पेंट पाई। तुहानू की पता बाबा जी, दानिश दी दुनिया की दुनिया होंदी है। अच्छा जी, आज का मौजू क्या है? आप दोनों इकट्ठे, एक इंडिया से आए, दूसरे पाकिस्तान से। मेरी गुजारिश है जनाब, एक मिनट भाई, एक One at a time। मैं अपनी गल सुनाना चाहता जी। मैं भी गल ही सुनाना चाहता जनाब, मैं कोई गाना नहीं शुरू किया। मैं क्या, मेरी गल विच रह गई, मैं शुरू करा। जी जी जी, जल्दी मुकाएं जी। ओ कर ला यार, फिर ना कहीं इथे ही किनू कहंदा ओ गल कर, गल कर। अच्छा, जेने पैसे कमाए हो ना भाजी, मेहनत ना, वो एक रुपया ला लगो भी सोचता है कि मेरी मेहनत की कमाई। इस टाइम जेडे पाकिस्तानी हुक्मरान ने, उन्होंने जरा शर्म नहीं आती। किस बात पे? कोई शाने नजूल क्या है इस फिक्रे की? क्या पूछ रहे हैं आप? ओ शाने नजूल है वे जनाब, के 100 रुपया तुसी कमांदे हो, ठीक, ते 250 रुपया तुसी खर्च कर रहे हो। अकल नहीं हैगी इन्हां नूं, पागल ने। नहीं, कहना क्या चाहते हैं? ओ मैं कहना चाहता कि पाकिस्तान नूं डिफॉल्ट करन दियो। यानी पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए? कीती दा खड़ा डिफॉल्ट और किवें करीदा है? डिफेंस मिनिस्टर ने तो ऑलरेडी कह दिया कि डिफॉल्ट हम कर चुके हैं। वैसे कितना तजाद है दोनों बयानों में, एक ख्वाजा आसिफ और दूसरा एहसन इकबाल। एहसन इकबाल कह रहा है कि जो आज डिफॉल्ट की बात कर रहा है वो पाकिस्तान का दुश्मन है जी, और साथ ही वो डिफॉल्ट की बातें कर रहे हैं। सिर्फ डिफॉल्ट का ऐलान करन, असि भी इन्हां नूं छबियां देन जोगे होई है। किस बात पे? ओए जेड़े खर्चे करदे ने, लल्ले त लल्ले करदे ने, कोई काम नहीं करन वाले। मतलब किसे कह रहे? हुक्मरानों को? ओए हुक्मरान ते बाकी भी सारे। बाकी सारे कौन? तुहानूं बहुत पता मैं किहदी गल कर रहे हैं, एडे बच्चे ना बनया करो तुसीं। जनाब उन्होंने तो मसले सुन लो, ये की कहंदे ने। हाँ पोते, तू की कहनी? मैं जनाब गल करनी है सिर्फ छोटी जी। ओ तू कितों पुत लगना ओए? तुहाडे हिसाब नाल तो पुत ही लगदा जी। कर लो जी, दसो जी, ये बटलर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? यानी इजाजत बटलर दे रहा है? ये सिर्फ मेरा बटलर ही नहीं, ये मेरा साड़ा भी है। अच्छा अच्छा, मुझे लग रहा था कुछ ऐसा है। जब मैं ब्याह हो गया की दौर से जवानी की गल होंगी, मैं कमांडो सी, तेनू पता। कमांडो नहीं थे आप? किसने कहा आपको कमांडो थे आप? आप फौजी थे, हर फौजी कमांडो नहीं होता। फौजी सन पाया जी, कौनिया पार जंज लैके गए सन जी। असि बड़ी देर समझते रहे नागन वाली आइटम कर रहे हैं। मेरे अब्बा जी ने तो वेला भी सुटियां होतो जनाब। हां 300 रुपया सारा। अब बात करें उनसे। हौली हौली नाम है बाला। आप तो चाय पी जाना। चाय नहीं है ये। चाय नहीं तो होर की? दूध। की अल्लाह दी सो बिल्ला या पालया, कदी दूध पींदा कदी जखणियां कदी। तेरी कुश्ती है किथे?
आप भी ये किया करें। क्या वा, पहले मेरा आधा टाइम उधर लग जाता है। कुछ सॉलिड जी गजा दस चूरा खाएं, चूरा कादा रसा दा मछली का चूरा। एक ही होया भला मछली का चूरा जो मुझसे खाया था चंद दिन पहले। ओ जेड़ा मछली दा कीमा कर लीदा जी। हां भाई पोते आए श्रीमती इधर। ओ सर इना ने गल करनी है, मैं तो सिर्फ इना दे नाल आई हां। जनाब छोटी जी गल, मैं हमेशा गल मुख्तसर ही की है। मैनू बचपन तो लैके जनाब हूं तक लोग ये कहते हैं कि बड़ी मुख्तसर गल करता है। वो मैं जनाब ये कह रहा वहां कि पाकिस्तान नू इस गुरबत के आलम की जरूरत है एटम बंब रखने की। वो जनाब इन्होंने को एटम बंब लवो, 200 अरब डॉलर दो इन्हों अपना गुजारा करन। जहर खान लिए को पैसे नहीं है, एटम बंब असि सिर च मारना, जान छड़ा हो सफेद हाथी तो। नहीं तो सिक्योरिटी के मसाइल कैसे हल करोगे? दसन दे डे ने कि अमरीका किस मर्जी दवाए, अमरीका देगा गारंटी। क्यों जी आप गारंटी दे देंगे? आहो जरूर देंगे। इन्हें जेलेंस्की नु भी दीती सी। जेलेंस्की, जेलेंस्की कौन है भाई? ये साले दी मुराद जेलेंस्की तो है। जेलेंस्की वेला किड्डा बहादुर मुंडा खड़ा है तक। लेकिन आपने वो सब कुछ नहीं किया जो वादा किया था कि जी ये हो ही नहीं सकता, जंग होनी नहीं चाहिए थी, आपकी कामयाबी ये नहीं थी। आपने क्या किया? उससे हलाशेरी दी, इसको जंग में झोंका ताकि ये सजा पुतिन को मिल रही है जी। कि बच्चों तुम्हें पता चले कि जंग कितना महंगा शौक है। तो सर हो सकता है कि हमें भी इस पॉइंट तक इसीलिए पहुंचाया गया है कि हमारे पास ना आगे का रास्ता रहे ना पीछे का। जी बिल्कुल, इस वक्त तो इन पर डिपेंड करके न्यूक्लियर से हाथ नहीं धोए जा सकते। ये अलग बात है कि इस चीज का ऑडिट होना चाहिए कि 75 साल में हमने क्या खोया, क्या पाया और क्यों। दिस इज नॉट इनफ कि क्या और क्या और क्या, क्यों इज फंडामेंटल जी। उसके बाद फिर सोचें कि अगर न्यूक्लियर हमने रखना है तो उसके कुछ और तलाजमें भी हैं। एक मिनट चुप करो, उन साहब उन्होंने टाइम हो गया। क्या बात, सुनो आराम से बैठो। पोते मेरी गल सुन, मैं इतने सदर लगा दस। आप तो वैसे अमरीकियों को भी समझ नहीं आ रही कि सदर कादे लिए लगे हुए। पहला मेरी पुतिन ने मत मारी रही सही कसर, तू कटी जाना। अच्छा पुतिन ने भी वाकई इनकी मत, उसका अपना बुरा हाल है और इनकी भी मत मारी हुई। पुतिन मेरी ख्वाब चाया कल। अच्छा उन्हें कुत्ता पुआता मैंने। अफताब पुत मैं बहुत भैड़ा फंसा, को मशवरा दे। मैं क्या मशवरा दूं आपको? हौली बोल, तेन पता ना मैं फिर टुर जाना, इतना काम होर हो जाता। हौली बोल, मैं मशवरा दे। सर जदों दा ट्रंप गया ना तुहाडी हुकूमत ते ओह ग्रिप नहीं रही, तुहाडी हुकूमत भी निकल जांदी। अभी तेरे को मशवरा मंगया, तू गल्लां ही लग गया ना। आपके पीछे इतना बड़ा स्टेट्समैन, इतना मुदब्बर है, उससे क्यों नहीं पूछते? आ मुल्तानी जॉर्ज वाशिंगटन ना याद कराई बाबे, हुणे बिजलियां चमका के हाजिर हो जाना। बहुत खुश हूं मैनू पंगे च पा के। बुजुर्गो तुसी दे दो मशवरा कोई। सब तो पहला ते बेटा तेनू रिटायरमेंट का ऐलान करना चाहिए। बाकी आप 80 साल प्लस हैं, मिनट बाद आपको टॉयलेट जाना पड़ता है, 4 सीढ़ियों के बाद आप गिर जाते हैं, हर 3rd दिन आपका ब्लड प्रेशर टेम्परेचर ऊपर नीचे होता रहता है। चलें सर ये चीजें भी कबूल हो, अगर आउटपुट हो जिस काम पे बैठे हैं वो कर सकें। डॉक्टर साहब तुसी हजे मेरे डॉक्टर को मेरी फिटनेस दा नहीं पूछे। हाँ जी व्हाइट हाउस के डॉक्टर ने इन्हें फिट करार दिया। ओ इन्हां नालों भी बुड्ढा जी। नहीं नहीं वो अच्छा खासा फिट है। बस ऐसे खेडे ची प्या रही, अमरीका दा बेड़ा गर्क कर छड़िया तू फड़के। बाबा जी मशवरा दियो, ताना ना दियो। चल फिर पुतन दा ही कोई फिकर कर लै। ओदा की करा दसो, कोई 2-4 चज दे बंदे भेजो उन्हूं समझाण प्यार नाल। ओ बड़ा कब्बा जिहा बंदा, उन्हें एवें नहीं मनना। बहुत अच्छा साहिब मशवरा। किनू भेजा? उनसे पूछो, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? क्यों बाबे हो? जिमी कार्टर किस दिन काम आएगा? बाबा जी की करदे पे हो, तो मेरे तो भी बुढ़ा। और कार्टर की एज पता कितनी है? 98, जस्ट टू शॉर्ट ऑफ 100। पर तेरे नाल 100 गुना ज्यादा समझदार है। और पार्टी भी यही थी, डेमोक्रेटिक पार्टी। तो करे क्या? ओ करना की है, ओदे नाल 5-6 बंदे और चंगे कठे करे दुनिया तो, जो उन्हें रशिया भेज देवे। अगर आप होते तो क्या करते? मैं कार्टर दे नाल भेजदा अंजला मर्कल नू। बहुत शानदार खातून है वो भी। अच्छा फिर इंडिया तो लेंदा मनमोहन सिंह। वाजी वाह क्या बात है। नहीं मनमोहन सिंह तो वाकई बहुत लाजवाब कैरेक्टर है। और पाकिस्तान जो कोई बंदा जेन च है कि नहीं? इमरान खान वेला उन्होंने ले लो। लैंड दे
इमरान खान और ना ही वो वेला है वैसे, लेकिन पुतिन उसकी मानता बहुत है, तो करना क्या है? और जाके समझान उन्हें, जंग च कुछ नहीं पिया, तेरे अपने हालात बड़े खराब ने। तो वो तो ये खुद भी गए रहे हैं पिछले दिनों, इन्होंने क्या कर लिया? ओए है खच आदमी है यदि इतने को नहीं मानता उथे किन्ने मननी है। जी आपके बारे में बात हो रही है। बाबा जी क्या करना, चीज वाला पकौड़ा होता है, खच भी है ते फीकी भी है। ए बटलर, हाँ जी। बाबा जी ने एक साथ पांच जुगता कर। जी बाबा जी, चूने का भला होंदा, एक 20 रुपए की बर्फ होंदी, बाबा जी सुते नु ठंड वजी होंदी, बाबा जी नहाउण लगे डिग्गिया होंदा, चार बाबा जी उठ पे होंदे ने। पंजी बहुत फिक्की सी पोते। हेलो क्या हाल है, जवाब क्यों नहीं भी देंदा? नहीं थकदा साला। अरे अच्छा देखो किस तरह उस इसका मन मायल है भी उस पे, ये क्या है, वो को बड़ा गुलफाम है। ताको क्या दसावा, वो क्या है, एक दफा देख सो तो दे दे रहा है वैसो भी, बाकी होगा कोई, मेरा ख्याल है कुछ जॉन वेन है वहां का। यस, कोई ग्रेगरी पैक है। अच्छा एक बात बताइए, हर वक्त इसके पीछे रहते हैं, कभी सामने भी आए आपने देखा है? मैं आज तक कोई सामने कहानी हमारी तो मैं दुनिया को लुका के रखा है। है क्या यार, एक दफा दिखाओ तो सही यार, तुम काहे के प्रेसिडेंट हो? तुसी हो जी, मैंने पूछ रहे हूं बड़ा। हेलो ए पुत, जबाटन बोल रहा मैं, फौरी तौर पर अंदर आ जा, हुक्म दे रहा तेनू सदर ऑफ यूनाइटेड ऑफ स्टेट अमरीका। जल्दी अंदर आओ, प्लीज इज्जत करो जवाई भाई है तेरे नैन। चल आ जा, चल गिन के आनी। अफताब साहब एक कोई बड़ा हसीन आदमी जिदा जिक्र हो रहा है, मैंने खुद नहीं देखा इन्हें। मैं आप नहीं देखा, अज वेख लेने, कहंदी बड़ा सोहना भाई, अगर उसे अच्छा लगता है तो ठीक है, लेकिन भाई तो काला है। लो वो इतने पॉपुलर हैं, अफ्रीकन अमेरिकन कहते सही आंदे पन। अरे बुलाओ नु कहीं थे, जरा कैट वॉक करे थोड़ी जी, बिस्मिल्लाह करा सही। पाजी उन्हें नु भेजो जेडे इहदे नाल ने। ये क्या है? व्हाट एक कौन है थोपिया दा डैनी डिवीटो? मेरी गल हो रही है? कौन है सालिया श्रीलंका का बंब हों, दिलीप मेंडस का खालू हों? सही कैट वॉक भी तो करना, टुर फिर के दिखा। ठीक है ठीक है। हाँ जी क्षमा करना जी, तुम ऐसी गल कर रहे थे, ये कैट वॉक है या गेंडा वॉक है? अच्छा तुम्हें पता नहीं जेबा च हाथ तो नहीं पाए, इन्हें पेंट फड़ी भी डिगना पवे। भैंस के बारे में कहते हैं, भैंस का पता नहीं चलता दूर से आ रही है कि जा रही है। ये प्यार च पागल हुई तू यार, क्या ग्रैंजर है वैसे भाई ने। हेलो मैं सीआईए भेज के तेन चुकवा लेना, पुत ही वाशरूम जा होया। सर आपने प्रोपोर्शन चेक किया, इतनी सी पता नहीं टांगे। मुझे लगता है वो ठीक कह रहा है, डेनी डेविटो लग रहा है बिल्कुल। डेनी डेविटो अगर किसी ने देखा है ना, मैं कहता हूं अगर पाकिस्तान में फिल्म बने और उसे डेनी डेविटो का डबल चाहिए ना, यू कम टॉक टू मी। अरे जी एक मिनट, ओए खलो ना तेरी क्या कर रहे हो, डक सख्त पिंडा होना भी तस्मे टूट गए। लूहा लूहा इधर आ, लूहे दे बच्चे। दुनिया मरदी अमरीका जनाब, तुम अरब वर्ल्ड जाके देखो गटर साह लै रहा हूं। अच्छा जी कौन आ रही है, दीपिका आ रही है? दीपिका ओदे अगे की है? अच्छा जी मैनू इजाजत दियो, इधर आए इजाजत दे बच्चे। वो जाने क्यों नहीं दे रहे उसे? मैं अपना कैथारसिस पूरा करना है देते। उधर मुकर, अब की करन दयो बकवास लगा, उधर मुकर ला जी मेरा कैथारसिस होण लगा, इथे खलो इथे, इधर आए। हां जी ए फड़ा जरा मैनू ए फड़ा, दिस इज माय कैथारसिस। Ha 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 ha
ਬੂਟ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਬੂਟ ਯਾਰ ਆਪਨੇ ਬੂਟ ਮੇ ਚਲਨਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਯਾਰ ਬੂਟ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਿਆ ਬੂਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਬੂਟ ਉੱਠੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਾਲਾ ਕਿਤੇ ਬੂਟ ਭਾਰ ਨਾ ਬਹਿ ਜਵੇਂ ਆ ਬਿਆਨ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਲੰਤੀ ਫੜ ਬੂਟ ਦਰ ਫੜੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਕਸਬਾ ਲੈ ਜਨਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦੀ ਲਾ ਛੱਡੀ ਇਹ ਤੇਰਾ ਇਹ ਤੇ ਦਿਲ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਜੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਆਉਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਇਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਓ ਨਮਸਤੇ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆ ਗਿਆ ਦਿਓ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਘਾਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੁਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੱਲ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਪੇੜ ਵੀ ਮਾਰੀ ਪਾ ਛੱਡਿਆ ਪੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਯਾਰ ਨਾਟ ਅਗੇਨ ਉਹ ਯਾਰ ਨਾਟ ਅਗੇਨ ਨਹੀਂ ਉਹ ਥੱਲੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵੱਜੇ ਨੇ ਨਾ ਚੱਲ ਜਲਦੀ ਲੈ ਚੱਲ ਓਏ ਹਾਏ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਆਓ ਜੀ ਆਓ ਆਜੋ 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 ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਜੀ ਆਜੋ ਓਏ ਹੋਏ 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 ਨਮਸਤੇ ਕੈਸੇ ਹੈ ਆਪ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੂੰ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਥਾ ਆਪ ਯਹੀ ਮਿਲेंगे ਓਏ ਇਹ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਜੀ ਠੀਕ ਬੈਠੀ ਹੋ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੂੰ ਚਲ ਓਏ ਆਏ ਚਲ ਲਾ ਆਏ ਫੜ 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 ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ ਤੂੰ ਲੋ हेलो जोजो हाउ आर यू हाउ आर यू की हाल है आप सुनाओ और किदा ठीक और दोस्त मेरी ओल्ड फ्रेंड जनाबी पहले तबला बजाती सी शरीफ रखेंगे और आप सुनाए मैं ठीक ओनु दफा कर इधर मेरे ना ऑल गुड इधर गुड 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 इधर ओ सुना किदा की बखाना की चाह रहे हिंदुस्तान जन्म जांदा सी बड़े बुश साहब दे नाल सुपरस्टारा उस दौर दी कौन सी अदाकार मैंने तो आज तक नहीं देखी है आपने मेरी कोई फिल्म नहीं देखी नहीं, मैंने बहुत थोड़ी फिल्में देखी हैं लेकिन आपने किसी फिल्म में देखा है नहीं, नहीं सर कोई एक्स्ट्रा शेक्स्ट्रा होंगी क्यों जी बाबा जी आप जानते हैं मेरी जाने जुत्ती जी माए तक कभी देखी भी नहीं ये बदतमीज पाकिस्तान ही होएगा कोई ये क्या कर रहे हैं आप यानी यानी बाह होंदी सी माशाल्लाह हुन कुलचे तो नहीं लाउण लापया असि दोवें जनो मिले आगरा गए हैं ताजमहल याद है तेन ताजमहल में बहुत मजा आया था खाली ताजमहल करवाता उन्होंने वॉशरूम चो नहीं निकले उथे बह के दरिया जमुना च पत्थर छोड़ते मेरे पत्थर की आवाज आती थी कड़ोम तेरे दी आती थी पटिक हूँ कड़ोम में तेरा पटिक गेम चेंजर होती है ये चीजें आखिर वक्त लंघ गया ना कड़ोम फटाक कर समोसे खाने एक कुल्फी दो ने अफिया हम बहुत गरीब थे ये ये बदतमीजियां शुरू कर दी हो भाई ये कौन साहब है लगता बूहे छाता है ये पाकिस्तानी ये मंगन आया इन्हें मिलया कोई सी गुस्सा छा गया ये तुम्हारे इस ओवल ऑफिस में जी थोड़ी सी मेरी सेब ही है कि नहीं आपकी तो सेब है नहीं ये नहीं ना मानता ये जो प्रेसिडेंट बना हुआ है अच्छा यार हुक्म दे कर तू तो कभी क्या है नहीं सानू मेरी फरमाइश पे मेरी गुजारिश पे थोड़ी देर के लिए वो उसके स्वीट हार्ट को बुलाओ जरा इसको भी साथ बिठाओ नहीं नहीं एक दफा बुलाओ उसे चलो बुला लो भाजी कोई गल नहीं कहने तो डैन केड़ी गल है नहीं भाई मैं नहीं बुलाना चलो ठीक है ओके मैं खत्म कर ओए अंदर आ ओए वो बड़ा स्वीट है सिक्योरिटी वाला आपको पता है दो घंटे ओदी पिस्तौल मैं फड़ के खलोती रही ऊपर तुमने क्यों पकड़ी थी उन्हें पैंट जो फड़ी थी अपनी हां जी मेनू कने याद कीता उस भाई ने भाई उन्होंने जो भी यार क्या ग्रैंडर है वैसे भाईजन बैठे बैठे जो भी है बैठता थे नहीं बैठ जा बैठ जा ये क्या ये मेरी नहीं है कुर्सी दी चीख सी ये मेरे सपने ना राजकुमार है ये साला वैसे ही राज मजदूर है ये तुम्हारे यहाँ क्या करता है ये हमारे यहाँ सिर्फ पेंट पकड़ता है और भाई जो तुम पैदा होया पायन मल्ले जो ऐलान होया हजरात ऐ देखो की हो रहा मिल गल हो रही है मेरी गल यार ना पर मार ना प्लीज मेरे को सोटी ले आके दे यार ये कितने अच्छे लग रहे हैं ये दोनों बल्कि तीनों एक जैसे ना तो दस गेंडे दे बच्चे जी मेरा नाम जॉर्ज है ये आपका लवर है हाँ जी हाँ जी ये मेरा लवर है जो तो पैदा होने वाला सी ये तो दरबार ते गया ने कहा बाबा जी मेरे घर पुत्र होवे मैं तुहाडे ते चादर चढ़ावा ये पैदा होया ते प्यो ने तो मुंह वेख्या उन्हें बाबे ते ट्राली चढ़ाती मेरी गल हो रही है अन्नी दे सारियां गल्लां तेरियां ही हो रही है कितों आया तू बांदरां दे डैनी डेविटो यार वैसे डैनी डेविटो बहुत बड़ा एक्टर है उसे तुम बदनाम ना करो किदा के बड़ा है इन्ना के तो है वो नहीं तुम उसका फनी कद काट देखो ना वो फिल्म दी पेमेंट इंज फड़न दे आंदा किदा के एक्टर है सर उसकी फिल्में कौन कौन सी मशहूर है
ये भला क्यों कर रहे हैं? ये नया मंसर है हमारा। ये मंसर की जगह बोलिए। ओ बस ठीक। हेज मालो पाओ लुडी हेज मालो। उन्हें कर तेरी लुडी खोल जानी है। ओए ये पिंडा लुडी वाला है। अच्छा जी आपने पूछा था कि इसकी फिल्में रोमांसिंग द स्टोन, रूथलेस पीपल, मैटिल्डा बहुत शानदार फिल्म। मैटिल्डा में तो इसने कमाल ही कर दिया और उसका प्रोड्यूसर डायरेक्टर भी खुद है जी हां। फिर इसकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है ट्विंस। जी अगर आपने ट्विंस नहीं देखी तो फिर डैनी डेविटो नहीं देखा। हाय हाय के जब पैदा होया यकीन करो इहदा अब्बा इहनू थाने लै गया। ए जब भी पैदा होया इहदा अब्बा इहनू थाने लै गया। ये तुहानू पता 6 दिन हुंदा रहा साला। 7वें दिन फिर उन्होंने ड्रॉ करार दे दिता। उन्होंने कहा भाई कुछ नहीं है जी ये एरिजोना और कोलोराडो दो स्टेटा च पैदा होया। क्या मतलब मुख्तलिफ टाइम्स में नहीं एक ही टाइम च ये ग्रैंड कैनियन एवं ही बन गया। इन्हें पैदा होते हैं डॉक्टर दी कोलोराडो चुक ले पता तो तो दिन रात हम लेते हैं एक ब्रेक हमारे साथ से ये। वेलकम बैक दिनों रात हमारा सेगमेंट है भूख स्टूडियो। आपकी मुलाकात करवाते हैं खान बरादरान से। बताओ ना तुम कि गाने गाए जा रही है कौन? ये तुहानू पूछण वाले नामे बोला सानू बाहर मिले है कौन है? अच्छा मेरा ख्याल था ये वो है चाहत फतेह अली खान है। वो की चीज है सर? यानी चाहत फतेह अली खान कोई चीज नहीं है। असल मैं हां सुजात अली खान। ओ सुजात। सुजात क्या होता है? ये सूजन से है। ये पहले फुलाट फतेह अली खान रखने का थी मैं कहती सुजात थी। भैया नाम नाम तो बताएं आप। झाड़ू ग्रेनेड ये सारा ए दरअसल मेरा भाई है। नहीं ये कौन है यार सीरियसली बताएं। सही हम 10 भाई है मैं और बड़ा 2 बाकी क्या 8 बाकी के 8 ये है सारा मटेरियल ले तो चला गया सी और ये तो बाद बालता फौत होगी बल्कि ये तो पहले ही फौत हो गई सर। अजी आपको क्लैप्टो फिल्म देखी? हाँ जी। ओदे चने तवाइफ दा रोल कीता। एदी वजह ना कबीले ते हमला होया। इने हरे केड़ी गल तो ना की थी दूसरे की। ये माइक पकड़ा हुआ क्या करते हो इससे? ये जरा गालां कढ़दा है। मजाक नहीं करना मैं हॉट फैन है कहना था। हॉट क्या होता है? हॉट फैन के भाई मैं दिलो जान तो तुसी इन्हां दी गायकी नहीं सुनी पाए? नहीं बहुत अच्छे भाई इस टाइम इन्ने वायरल ने पाए। कौन सा गाना? PSL वाला गाना नहीं सुने? ये जो PSL है जी सर वो तो चाहत फतेह अली का है। ओ जी ओन्ने की गाना है भाजी साडा ओदे नाल वद्द है। हां जी इहदा बहुत ओदे नाल वद्द है। मैनूं लग रहा है साडा आईडिया ओदे नाल वद्द है साडा मटेरियल भी ओदे नाल वद्द है। आम तौर पर बंदा लंघ रहा हो सन्नाटे वाली गली चो तो कुत्त डर तो रोड़े फड़ लेंदा है। ये जो गली चो लंघ रहा हो कुत्ते रोड़े फड़ और गली के नुक्कर च खलो के ते जान का इंतजार कर रहे और एक दूजे को पूछते ने लंघ है एक दो कुत्ते ने गर्म पानी भी सुट रहा। और ये चलता रहेगा सर आप कुछ सुनाए कोई अपने हसीन होठों से कुछ गुनगुनाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मेरे साथ हैं आफताब इकबाल साहब। मैं नहीं हूं इसके साथ।
वैसे ही हूँ, साथ नहीं हूँ। नहीं सर, थोड़ी देर के बाद आप साथ हो जाएंगे, एक दफा आप इनका फन तो देखें। सिर्फ दो मिनट नु सुन लो सारी जिंदगी, इस तो अलावा किसी नु सुन गए ना। अखियां उड़ीक दियां दिल में जमार दा, अखियां उड़ीक दियां दिल में जमार दा, अखियां उड़ीक दियां दिल में जमार दा, अखियां 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 भूल गया आगे से इसको याद उठीकिया मरीद के तो तालक है। अच्छा ये पहले पठा खिश्त हुंदा सी, ये बैठन लगे किसी ने पट्टा खींच कर। तो ये पट्टा खींच क्या होता है? पट्टा भट्टा जिसको भट्टा खिश्त, भट्टा का मतलब जहाँ ईंटें बनती हैं, खिश्त का मतलब है ईंट, भट्टा जहाँ पर ईंटें बनती हैं। उधर ईंटा दी पई है, और मैंनू अपनी पई है, और तन्नू ईंटा दी पई है। ये जो अपना पीएसएल है, ये जो प्यारा पीएसएल है, मैंने ये नहीं पता पीएसएल क्रिकेट है या कबड्डी है कि तू जमेरे हमेशा कॉल रहे, तू जमेरे हमेशा कॉल रहे, उतने में दुनिया नू कह दवा ये जो अपना पीएसएल है, ये जो अपना पीएसएल है। ये जो अपना चुप करो ढाड़िया, तुहानू लैके बह गया आप लोग, तो मिट्टी हो गए। मैंने उते पाल लाउन लगा। ऐसे आपस की बात है, सीधे मुंह साझा। अपना प्यारा जिंदा है, अपना प्यारा जिंदा है, उसके अंदर एक डंडा है। ये जो प्यारा झंडा है, इसमें हमारा डंडा है। सारा राणा डंडे दा किदा, डंडे दा डंडे दा, सारा रौला, सारा रौला डंडे दा, मज्जा और संडे दा। ये जो अपना पीएसएल है, भैया साले संडे ने शराब अपना। यार बैठे वहां जाके, भैया वहां जाके बैठे। भाजी मैंने थोड़ा परे करे साल हैंड यार मौला दी सो। अच्छा जी आपने जना इथे खड़ोता डांस करन लिया सी, यदि कुर्सी पिछवा नहीं कर रही। अच्छा यार बात कर लें दो, तुम अब सिर्फ ये देखो हसद के मारे ना, आए हसद ये देखो हसद और नाम मुराद इन्हें ना सोरदा पता ना लाया था, असी खान साहब आदमी खिदमत इसके बावजूद देखो सुपर हिट ए बेसुरा गाना सुन के यकीनन तड़ा मूड खराब हो गया, तन्नू एक सुन लीजिए स्थाई अंतरा असली सुनाओ यार। याद पिया की आए, याद पिया की आए, याद पिया की आए, ओ ये दुख सहाना जाए, जाए राम ये दुख सहा नहीं जाए आए राम, बल्कि हो आए राम। याद पिया की गाए आए, याद पिया की आए, ते ना हसे खुले तेरिया यादा ने, मिल सजना फरियाद ने, हसे खुले तेरिया यादा ने,
दिल सजना फरियादाने मेरे दिल दा सोना तक मेरा दर्दाने ठिकाना लब्या तू ना बिछड़ के मिले चन सजना सारा जमाना लबे आए तस्वीर बना के मैं तेरी जीवन दा बहाना लबे आए तू ना बिछड़ के मिले चन सजना असा सारा जमाना लबे आए तस्वीर तस्वीर बना के मैं तेरी जीवन का बहाना लभ्या है तस्वीर बना के सारे को बोलो सारे अगर वायरल होना है तो सारे मिलके बोलो तस्वीर बना के मैं तेरी तस्वीर बना के मैं तेरी सुभान अल्लाह खान साहब क्या कहने ठीक है बेटा उधर बैठो जा है मैं खान साहब आओ सुभान अल्लाह ए हाथ फड़न दिल ते नहीं कर रहा लेकिन वक्त ऐसा आ गया आ जाए सुभान अल्लाह तलाक याफ्ता मत जुंदी बेटे अच्छा भाई एक छोटी रिक्वेस्ट है हाँ जी हमें खान साहब की शागिर्दी में अगर करवा दिया जाए जी आपके पास कोई जॉब है इनके लिए मेरे को सर जगह नहीं है असी तेरे कुर्ते च नहीं वरना ये फिर मेरे चुगनाइजर हो जो यार ये तो ना हमें हमें मंजूर है कर दिया जाए ये क्या बेहूदगी यार तुम ये क्या बेहूदगी है फनकार आदमी हो पाए ने हो जे नु बहुत पैसे हो रहे आज कल थी हडी 2 2 लाख रुपया तो चुगनाइजिंग च लग जानी है नु पाउंड हुंदे ने सुभान अल्लाह पाउंड 300 तो उत्ते दा इस टाइम और एदे पीछे खलोगे पाउंड चुकण दा अपने मजा होना एदे को वेख्या भी नहीं जाना और ना एदे को मुड़या जाना आफताब साहब मैं इनन नु जॉब बिल्कुल नहीं देनी खास साहब मैं थोड़ा मरीज हो गया मैं यकीन करो मैं थोड़ा और यकीनन चंद्र चो भी भूल सड़ गए ਹੱਥ ਖਾ ਸਾਲਿਆ ਕੀ ਹਾਰਪਿਕ ਲਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਜ਼ਾਬ ਦੇ ਪਪਕੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਹ ਨਾ ਗਟਰ ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਅਗਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਵੀ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਗਲਾ ਡੈਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਜਨਾਬ ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਂਧ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਉਂਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੰਗਲਾ ਪਗਲਾ ਇਤੀ ਸੀ ਬਾਤ ਨਾ ਜਾਣਾ ਕਿ ਹੈ ਕੀ ਉਹ ਦੋਜ਼ਖ ਦਾ ਪੇਠਾ ਹੁੰਦਾ खबर है कि सुरंग खोदकर चोरी करने वालों ने नाकाम होने पर मालिक के नाम पैगाम लिख दिया बड़ा इंटरेस्टिंग पैगाम है रो रो के कि भाई हम माजरत खां हैं हमने एक महीना पूरा ये झकमारी की लेकिन हमारे हाथ कुछ नहीं आया तुम हमें माफ कर देना हम तो खैर मोरॉन्स हैं ही लेकिन सर हाथ क्यों नहीं आया कुछ यार अब तो बोल रही है बेचारी नहीं, सही आवाज आई पहली क्लैप तो शुरू हुए ने हुन उन्होंने सोचा कि बोलेंगे नहीं तो ये अगर बोले ना तो क्लैप होती रहेगी मंसर फहीम तो था ना थिक स्किन्ड उसमें तो असर ही होता वो एंजॉय करता था वो लोगों को दसा लग गया सी देखिए मैं बोलता तो क्लैपा होंगे उन्होंने ये नहीं पता साले नु निकलन दिया निशानियां लेकिन वो निकला नहीं है याद रखना अच्छा मैं और मंसर फहीम एक अलहदा से शो करने जा रहे हैं डू यू नो दैट इशारे नहीं यार वो एक स्पेशल प्रोग्राम है मैं फिलहाल डिस्क्लोज नहीं कर सकता चलिए सर कमिंग टू द टॉपिक अगर नाकाम हो ही गए थे तो बस चुप करके चले जाते लिखने की क्या जरूरत थी अपना कैथारसिस किया उन्होंने जो शर्मिंदगी थी ना जी अपने ऊपर गुस्सा था
उसको वेंटिलेट किया कि यार हम इतने घमंड हैं, हम इतने थर्ड क्लास, बिल्कुल ऐसे जैसे आज अगर थोड़ी सी भी सेंस होती पीडीएम में तो वो करती कि भाई हमसे गलती हुई है, हमें माफी दे दो, हम वाकई घमंड हैं। उनके आपस में बयान ही नहीं मिलते। एहसन इकबाल कुछ कह रहा है, ख्वाजा आसिफ कुछ कह रहा है, दोनों जो ठीक कौन है सर? दोनों गलत हैं। वो जो है ये आफ्ताब भाई, मैं आपको बताता हूँ वो जो स्टेटमेंट मैंने दी है, वो जो है वो आपको किसी के कहने पे दी है मैंने जनाब। पता चलता है कि इसको ऑर्केस्ट्रेट किसी और ने किया है। मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे बोलता कोई और है। मुझे क्या कहने हनी भाई, बिरयानी में मिक्री चढ़ी। अच्छा ये वहां से ना मिमिक्री सीख के आया है। वो वहां ना कोई पूछ प्रतीत थी, वहां जाके ये गबोल भी बन गया, अली मीर भी बन गया। किसी ने कुछ कहा ही नहीं, लोगों ने कहा लगे रहो हनी अलबेला और लगे रहो। तुम्हें पता है मैं इसको वापस क्यों लेकर आया? क्यों सर? गेस करो सर। क्योंकि ये बहुत इंटेलिजेंट है सर, बहुत विटी है सर, मखौलिया बहुत बड़ा है, कोई शक नहीं सर। इनके बगैर आपका दिल नहीं लगता। यस This is the reason. मैं मुखौलिया शुखौलिया कुछ नहीं, यानी पिछली कारकर्दगी से आओगे। ये कम है कि मेरा दिल नहीं लगता सर, ये सबसे बड़ी बात है। आपका दिल नहीं लगता और मेरा दांत नहीं लगता। नहीं दांत तो तुम्हारा लगता रहा है, वो तुम्हारा हर जगह लग जाता है। लेकिन सर मैं ब्लेस्ड हूँ अल्हम्दुलिल्लाह इस बात पे। वी आर ब्लेस्ड हनी अलबेला, अल्हम्दुलिल्लाह। वी आर ऑल ब्लेस्ड अल्हम्दुलिल्लाह टू हैव यू ऑन बोर्ड, टू हैव सखावत नाज ऑन बोर्ड, टू हैव This rascal on board. मैं उसे रास्कल कह सकता हूँ? फिर रास्कल साड़ जो है ही लगता है। तुम हो? बल्कि रास्कल। अच्छा रास्कल क्या होता है? राक्षस टैप। लो जी। अच्छा पाशा लगता है, उन्हीं मोबला लड़े डबे जो उठ के बैठे। मेरी गल हो रही है इधर, तेरी हो रही गल। अच्छा जी ये मीरठ का वाकया किसी ने पूछने सर, ये मैं पूछने लगी लेकिन बातें हो रही थी। बातें हो रही थी, आप चुप रही इतनी देर। ये इंडिया यूपी मीरठ का वाक्य है। अंदर दाखिल हो गए दुकान के ज्वेलर की शॉप में, ओ, और अंदर एक बहुत बड़ा सेफ पड़ा था अलमारी लोहे की, वो नहीं खोल दी। हालांकि अपने साथ गैस कटर लेकर गए थे, वो नहीं खोल दी सारो, वो टस से मस नहीं हुई। लेकिन बाबू आपको कैसे पता है कि वो नहीं खुलती? क्योंकि इसने ज्वेलर्स के यहाँ काम भी किया हुआ है और एक दो अटेम्प्ट्स भी किए हैं। ये सुबह नाली में से न्यारा तलाश करता था और रात को तू नहीं सुना सर जी, ये मेरे ते हसया ना फिर ना मेनू कहना इन्हें मेरे बारे क्या? मेरे बारे क्या ओए तेरे बारे भूखी पी के बैठा है साले नु दस दियो जो कहना है इनू कहना है बार बार ना पूछे। पाशा साहब हमारे साथ शामिल है, आज अकमल राही हमारे साथ शामिल। मेरी पिछली शहर दिला था अग लग गई। ये दोनों वापस आए हैं, माशाल्लाह वेलकम। आपको पता है कि पाशा साहब आल्सो हैज वर्क्ड विद मी। जी 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 जी। खबरदार सीजन वन जी। कितने एक एपिसोड, एक एपिसोड एक घंटा काम किया। इहो जिहा जिहनूं बांदर चपेड़ मार दिंदा ठा, इहो जिहा जिहनूं चिराग चो नहीं निकलदा बस चो निकल रहा, टैंक चो एवें गटर चो निकल रहा, तंदूर चो निकल रहा है, हाथ च कुलचा फड़िया है, उन्नू रंगे वास्ते शहर दे घरों चो आ रहे हुंदे, तेरे भरा ने बहुत तंग कीता है मैनूं, यकीन कर कोई खर्चा खुर्चा नहीं दिंदा, बच्चों नूं भी कुटदा ही। ये तो सियालकोटिया है, मुंडा कलाया था वाला इसका। सियालकोट का एक्सेंट है इसका। अमानुल्लाह में ये सारे एक्सेंट बता गया। वाह क्या बात। अच्छा जनाब अमेरिका में भी इससे मिलता जुलता एक वाक्य हुआ। ओदे नाल यार मीरठ वाला जो वाक्य है। अच्छा। जी जी। वो चोरों ने डकैती करनी थी, एक लंबी सुरंग खोदी और निकले कहां, एक घर के लॉन में। ओ। और वो पता किसका घर था? किसका? जी जी। पुलिस ऑफिसर। सबसे खौफनाक ट्रेजेडी हुई थी एक लव बर्ड के साथ। ओ। ओ। मैक्सिको में उसने अपनी गर्लफ्रेंड के घर सुरंग खोदी, अपने घर से सुरंग खोद के अपनी गर्लफ्रेंड के बेडरूम में। तो एक दफा जब वो उसे मिलने जाने लगा, उसने टेक्स्ट कर दिया कि मत करना, मेरे पेरेंट्स जो हैं वो बैठे हुए हैं मेरे पास और उनका जाने का कोई इरादा नहीं। वो चूंकि अंडरग्राउंड था, टेक्स्ट मिला नहीं, सिग्नल नहीं आ रहा, सिग्नल नहीं आ रहे थे, सीधा वहां बरामद हुआ। फिर तू कहते कहना खाली में पिज्जा देना है। उसका बाप बड़ा क्रिमिनल था, डॉन था। उन्हें सब तो पहले उन्होंने डॉन किया था। वो सुरंग होने का मजार है। पाकिस्तान में सात बड़ी मशहूर सुरंगें हैं, सात सात, उन्हें सेवन सिस्टर्स कहते हैं। अटक में काला चिट्टा रेंज में रेलवे ट्रैक है, उनमें
और ये गिनीज बुक में तस्करा है इनका। ਸਾਡੇ ਵਾਲੀਆਂ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਥੱਲੋਂ ਲੰਘਦੀ, ਛਾਲਾ ਮਾਰ ਦੇ ਥੱਲੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੈ, ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੁਰੰਗਾਂ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਕਿਲੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਭੀ ਗੁਜ਼ਰਤੀ ਹੈ ਬੰਦ ਕੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਟਨਲ ਹੈ ਜਿਸ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਕਹਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਹੀ ਕਲੇ ਸੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਜਾਤੀ ਥੀ। ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜਾਲੇ ਲੱਗੇ ਥੱਲੇ, ਸੁਣੇ ਆ ਗੰਦ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੁਰੇ ਆ, ਜਾਲੇ ਨਹੀਂ ਉਨਕੋ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆ ਗਿਆ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਹਮਾਰੀ ਸਭ ਸੇ ਬੜੀ ਟਨਲ ਕੌਨ ਸੀ ਹੈ? ਲਵਾਰੀ ਟਨਲ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਹਾਂ ਸੇ ਕਹਾਂ ਤੱਕ, धीर एंड चित्राल इसके बीच में। मेरा ख्याल है मुशर्रफ ने इसका इफ्तिताह किया था। अच्छा ये फंक्शनल है? जी हाँ हाँ, एक बन रही है लेकिन पता नहीं अब तो खटाई में पड़ जाएगी चाइना के साथ मामलात आपके। शाउंटर टनल जो है, शाउंटर पास से अस्तौर से बराए रास्त इस्लामाबाद। वाह क्या बात, वो कई घंटे सफर जो है ना उससे खत्म, अल्लाह करे ऐसा हो जाए। सर इस थीम पर कोई फिल्म बनी है? सुरंग टनल जो है ना, बेसिक तो टनल है, टनल पे तो हजारों फिल्में बनी। द टनल, लास्ट ब्लड, आखिरी सीक्वेंस उसका है ही टनल का। फिर एक फिल्म है जिसका बारहा जिक्र किया हमने, द ग्रेट एस्केप। फिर शॉशैंक रिडेम्पशन, वो भी यही थी। एस्केप फ्रॉम अल्कात्राज, ये सारी की सारी टनल पे है। हनी भाई दिन दिहाड़े भैन बबू की गड्डी के शीशे लाग ला गए। अच्छा जी, यार तुम शीशों की बात करते हो, मेरा दोस्त शाहिद गुल उसकी गाड़ी के चारों टायर उतार के कोई ले गया। चारों टायर, गाड़ी ईंटों पे खड़ी। ओ मेरे वाला हाल होया पहले जो मेरा आया सी हुआ था इधर नहीं, जो मेहरान हुंदी सी बड़ी मस्कीन जी गाड़ी सी, उन्हें लत मारो तो लाख खुल जाता सी, पेड़ मारो स्टार्ट हो जाती सी, निच मारो बंद हो जाती सी। नहीं ये स्ट्रगल के तौर च हुंदा डॉक्टर साहब, इस तरह मेरे को भी एक गाड़ी सी पाजी ਲਾਹੌਰੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਤੇ ਰੱਸੀਆਂ ਬੰਨੀਆਂ ਸੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਓਏ ਮਹਿਰਾਨ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰੋ ਪਿਛਲੇ ਖੁੱਲਦੇ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਬੰਦ ਕਰੋ ਡਿੱਗੀ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ, ਚੱਲਦੀ ਤਾਂ ਬੋਨਟ ਖੁੱਲ ਗਈ। ਬੋਨਟ ਖੁੱਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ, ਇਹਨੇ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਗਾਣਾ ਭਰਵਾ ਲਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਸਲਾਮ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਹਜ਼ਰਾਤ ਹਮ ਲੇਤੇ ਹੈਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਰਹੀਏ। ਬਲਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾ ਜਿਸ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇੰਜਨ ਵੀ ਕਰ। वेलकम बैक खुदी नजरात, आज का गाना हमने फिल्म दोराहा से लिया है, मसरूर अनवर के लिरिक्स हैं और बहुत खूबसूरत कंपोजिशन सोहेल राणा की, गाया अहमद रुश्दी ने, पेश करने जा रहे हैं बिलाल अली मीर। बता दूं तुम मेरी मंजिल हो, मेरी मंजिल हो, जिसे ढूंढा है नजरों ने वही मासूम सा दिल हो। तुम्हें कैसे बता दूं तुम मेरी मंजिल हो, मेरी मंजिल हो, जिसे ढूंढा है नजरों ने वही मासूम सा दिल हो। तुम्हें कैसे बता दूं तुम मेरी मंजिल हो, मेरी मंजिल हो। तन्हाई ये बेचैनी ये मजबूरी, तमन्ना है किसी दिल में जगह मिल जाए थोड़ी सी। कोई देखे ये तन्हाई ये बेचैनी ये मजबूरी, तमन्ना है किसी दिल में जगह मिल जाए थोड़ी सी। मिले वो दिल मुझे जो प्यार के काबिल हो, मेरे काबिल हो, जिसे ढूंढा है नजरों ने वही मासूम सा दिल हो। तुम्हें कैसे बता दूं तुम मेरी मंजिल हो, मेरी मंजिल हो, जिसे ढूंढा है नजरों ने वही मासूम सा दिल हो। तुम्हें कैसे बता दूं तुम मेरी मंजिल हो, मेरी मंजिल हो।
हाल में देखा तो होंठों पर हंसी आई। चलो कुछ तो किसी के काम अपनी बेबसी आई। मुझे इस हाल में देखा तो होंठों पर हंसी आई। चलो कुछ तो किसी के काम अपनी बेबसी आई। मेरी हालत पे हंसते हो बड़े संग दिल हो, बड़े संग दिल हो। जिसे ढूंढा है नजरों ने वही मासूम सा दिल हो। तुम्हें कैसे बता दूं तुम मेरी मंजिल हो, मेरी मंजिल हो। जिसे ढूंढा है नजरों ने वही मासूम सा दिल हो। तुम्हें कैसे बता दूं तुम मेरी मंजिल हो, मेरी मंजिल हो। ब्रावो ब्रावो।